गाइस माय नेम इज़ करण और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ रियलमी की तरफ से। रियलमी का एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया कमाल का फ़ोन है, एक नंबर, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, बेस्ट गेमिंग के लिए, बैटरी बैकअप और कितने GB रैम रोम है। आगे इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे और क्या प्राइस है उसकी। वैसे इसकी प्राइस बता देता हूँ मैं, 8999, मतलब 9000 की रेंज में आपको बहुत ही शानदार फ़ोन देखने को मिल सकता है। अगर आप वीडियो पूरी देखें तो मिलेगा, क्योंकि फ़ोन के बारे में मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे है ना, रियलमी की जो सी सीरीज़ है उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ़ोन लॉन्च कर रहा है। अभी दो तीन कुछ महीने पहले हुआ था Realme C3, अभी Realme C12 आ गया और Realme C15 भी आ चुका है। तो इनमें सेम फीचर रहते हैं, इनने और कुछ डेवलप कर दिया, थोड़े और अच्छे अच्छे फीचर्स डाल दिए। तो ये फ़ोन भी सेम प्राइस के हैं, बाकी बताता हूँ मैं आगे क्या क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, जो कि आपको मिल जाती है 6000 mAh का बैटरा। समझ लो बैटरी तो 3-4000 mAh की होती है, 6000 mAh का बैटरा होता है पूरा। और कंपनी ने ये दावा किया है कि ये फ़ोन 57 डेज तक कॉल कर सकते हैं, मतलब चालू रहेगा, अगर आप कुछ भी नहीं करो ना, चलाओ नहीं, तब भी 2 महीने तक वैसे ही चल जाएगा। और वीडियो देखो 12 घंटे तक वीडियो देख सकते हो, अच्छी गेमिंग कर सकते हो, बहुत बैटरी चलने वाली है। हेलो, अब बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरे के बारे में। और आपने देखा होगा एप्पल 11 प्रो का जो चोको डिज़ाइन है, बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला, सबसे यूनिक है। हालांकि किसी पसंद तो नहीं आता, लेकिन अब तो इतना चलने लगा। इस फ़ोन में भी आपको ट्रिपल कैमरा AI रियर कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि एप्पल डिज़ाइन में मिल जाते हैं देखने को। तो बढ़िया बढ़िया बहुत शानदार फोटो आने वाली है इस कैमरे से, इस मोबाइल से। 13 AI रियर कैमरा है, ट्रिपल, तो बहुत ही शानदार पिक्स आने वाली है। कहीं भी मतलब आपके सुंदर चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके सेकंड प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको गेमिंग, जो लोग गेम का बहुत शौकीन है उनके लिए प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, हीलियो का G35, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। भैया पबजी इसमें HD क्वालिटी पर खेल सकते हो। अगर बात की जाए इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इस फ़ोन में आपको 16.5 की फुल मिनी डॉट जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है, अच्छी काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, नॉर्मल बड़े बड़े फ़ोन में आती है इतनी बड़ी डिस्प्ले। और बात की जाए अगर इसके फिंगरप्रिंट की, तो बहुत ही शानदार बैक में आपको एक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी के तौर पर इसमें फिंगरप्रिंट दिया गया है। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 वर्जन देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड का फ़ोन है, एंड्रॉयड 10 वर्जन भी अपडेटेड है। 11 नहीं मिलता इसमें, एंड्रॉयड 10 मिल रहा है ना, नोट 11 नहीं मिल रहा है, एंड्रॉयड 10 वर्जन मिल रहा है। अगर बात की जाए इस फ़ोन की रैम रोम के बारे में, तो इस फ़ोन में सबसे पहले तो आपको 3 SIM स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि 2 में आप सिम डाल सकते हो और 1 में कार्ड डाल सकते हो। और इसमें आप बढ़ा सकते हो 256 GB तक, बहुत बढ़िया है, 256 GB तक कार्ड बढ़ा सकते हो आप इसमें। अगर बात की जाए इस फ़ोन की बैक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो भैया एकदम एप्पल 11 प्रो देख लो या इसको देख लो, रियलमी ने दोनों को सेम ही बनाया, मतलब उधर एप्पल की कॉपी समझ लो एक प्रकार से। जो कैमरा है कौन बैक में दिखेंगे बहुत ही शानदार रहेंगे, पीछे एक फिंगरप्रिंट दिखेगा और जियोमेट्रिक ग्रेडियंट की जो डिज़ाइन रहती है ना, डायमंड कप ऐसी आड़ी तिरछी वो वाली देखने को मिल जाएगी इसमें। तो बैक से बहुत ही अच्छा लगने वाला है, मतलब अगर आप ऐसे करके बात करोगे बहुत ही शानदार लगने वाला है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इस फ़ोन में रिज़र्व चार्जिंग है, बैक रिज़र्व चार्जिंग, इससे किसी दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हो या किसी दूसरे फ़ोन से इसको चार्ज कर सकते हो। वैसे अपने पास तो बैटरा है 6000 mAh का, तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी नहीं दूसरे को दाम दे देने कभी कभी। और अगर इस फ़ोन की प्राइस के बारे में बात की जाए, तो बढ़िया है, 9000 रुपये का फ़ोन पड़ रहा है, 8999 रुपये का। ये आपको 2 कलर में मिल जाएगा, एक सिल्वर में और एक मुझे भी नहीं पता एक कौन कलर में, दो कलर में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लास्ट में बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, कर देना वीडियो अच्छी लगे तो। हेलो गाइस, बताना भूल गया था ये फ़ोन अभी आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेगा। तो देख लेना आप लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, या चेक करते रहना अमेज़ोन पर कितने रुपए का मिल रहा है। इसकी अभी तो प्राइस है 8999 रुपये, आप देख सकते हो कहीं मार्केट में दुकान पर लोगे तब भी देख लेना, है ना। ये बताना भूल गया इसलिए लास्ट में ऐसी वीडियो बना रहा हूँ।